हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम लोग बात करेंगे कूलिंग टावर के बारे में। कूलिंग टावर होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, वो कूलिंग टावर कैसे काम करते, उसके बाद कूलिंग टावर कितना टाइप्स का होता है, ये पूरा के पूरा जानकारी आज इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। मतलब हम लोग आज बात करेंगे अबाउट ऑफ कूलिंग टावर के ऊपर। तो कूलिंग टावर के अंदर और भी कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, वो भी आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कूलिंग टावर में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका पीएच क्या रहता है, उसका कौन सा पानी को इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरा का पूरा छोटा मोटा जितना सारा क्वेश्चन रहता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर हम लोग बात करने वाला है। तो हम लोग चलते हैं हमारा टॉपिक की तरफ। फर्स्ट आएगा व्हाट इज कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या है ना, कूलिंग टावर है स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर। तो इसमें एयर और वाटर दोनों एक साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, इससे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो कम टेम्परेचर की तरफ जाने वाला है। मतलब यहाँ पर वाटर हॉट रहता है, मतलब गर्म रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और एयर जो एनवायरनमेंट एयर उसके थ्रू जाता है ना, कांटेक्ट करते हैं, तो सिंपल हाई टू लो के तरफ टेम्परेचर जाते हैं। इससे जब नीचे हमारा जब भी हम लोग ट्रे में वाटर को जब कलेक्ट करते हैं तो उसी टाइम वाटर के अंदर एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो चला जाता है। तो ये कूलिंग टावर का मेन पहला और फर्स्ट काम रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है ना, आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पर जो कूलिंग वाटर इन, मतलब यहाँ पर आता है हॉट वाटर, ये जो बॉक्स बनाया जाता है इस ये हम लोग पकड़ लेते हैं, एक कूलिंग टावर का स्पेसिफिक शेप है। तो इसके अंदर कूलिंग टावर इन, मतलब यहाँ पर हॉट वाटर इन हो रहा है, और उसके एरो जो नीचे की तरफ दिया गया, यहाँ पर स्प्रिंकलर लगाया जाता है, उसके नीचे आपको बहुत सारा डॉट डॉट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पैकिंग मटेरियल रहता है, ये मटेरियल कैसा देखता है ये भी आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। और उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ड्राफ्ट एलिमेंटर्स। ड्राफ्ट एलिमेंटर्स का जो काम रहता है, तो हॉट वाटर जब नीचे गिरता है पैकिंग मटेरियल के ऊपर, तो कुछ स्टीम बन के ऊपर चला जाता है, तो उस स्टीम के अंदर भी वाटर पार्टिकल्स रहता है, जो वाटर पार्टिकल्स को वो पकड़ लेता है और एयर को निकाल देते हैं। इसके जो वाटर पार्टिकल को पकड़ने के लिए ड्राफ्ट एलिमेंटर्स का काम रहता है। उसके बाद क्या था ना, जब पैकिंग मटेरियल के थ्रू हमारा हॉट वाटर नीचे आता है तो उसके नीचे से एयर इन होता है, मतलब एनवायरनमेंट एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इससे हॉट वाटर और एनवायरनमेंट एयर एक साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर के तरफ टेम्परेचर जाता है। इससे क्या होता है ना, वाटर ठंडा होता है और ठंडा एयर गर्म होके ऊपर के तरफ से निकाल जाता है। उसके बाद नीचे हम लोग ठंडा वाटर को पकड़ने के लिए एक ट्रे रखा जाता है और अरेस्ट किया जाता है ठंडा वाटर को। ये रहता है सिंपल कूलिंग टावर का एक वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पूरा का पूरा एक फोटो से। तो यहाँ पर जो एक कंडेंसर है जहाँ से हॉट वाटर, मतलब ठंडा वाटर को निकल के हम लोग हॉट वाटर हो चुका है, उसको मैंने कूलिंग टावर के ऊपर डाला है। कूलिंग टावर के थ्रू नीचे आया, नीचे से एटमोसफेयर एयर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिससे थ्रू क्या होता है ना, गर्म पानी ठंडा हो रहा है थ्रू एटमोसफेयर एयर की वजह से, और ऊपर हॉट एयर निकल जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अब के तरफ टेम्परेचर जा रहा है इसकी वजह से, और नीचे हमारा ठंडा पानी मिल रहा है। ये रहता है सिंपल एक कूलिंग टावर का फंक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलिंग टावर कितना टाइप का रहता है। तो फैन का टाइप के हिसाब से, मतलब कूलिंग का टाइप के हिसाब से हम लोग कूलिंग टावर को 3 डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा नॉर्मल ड्राफ्ट, दूसरा है फोर्स्ड ड्राफ्ट, तीसरा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। उसके बाद एयर का फ्लो के हिसाब से रहता है क्रॉस फ्लो और सेंटर फ्लो, और थर्ड रहता है ना वाटर का सर्किट के हिसाब से, एक क्लोज सर्किट, दूसरा रहता है ओपन सर्किट। कूलिंग के हिसाब से जो 3 डिवाइड किया गया था उसके अंदर फर्स्ट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के ऊपर मैं फर्स्ट बात करूंगा। नेचुरल ड्राफ्ट काम करता है नॉर्मल, जैसा मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में बताया था, नॉर्मल ऊपर से हॉट वाटर को डाला जाता है स्प्रिंकलर के थ्रू, और नीचे से एनवायरमेंट एयर, मतलब एटमोसफेयर एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाते है। इससे हॉट वाटर और एयर का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, और हॉट वाटर कोल्ड एयर के साथ आने के टाइम वो हीट को डिस्चार्ज करता है, इसके वजह से हॉट वाटर कोल्ड वाटर में ट्रांसफर होता है और कोल्ड एयर हॉट एयर के ऊपर ट्रांसफर होता है। हम लोग जानते हैं जो हॉट
एयर रहता है वो बहुत हल्का रहता है और वो ऊपर के तरफ से चला जाता है और ठंडा पानी नीचे हमारा ट्रे में कलेक्ट होता है। दूसरा है फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। सेम टू सेम हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में देखा था क्या ना, नीचे से थोड़ा सा खुला था जहाँ से एटमोसफेयर एयर आने के लिए। यहाँ पर क्या होगा ना, चारों तरफ से ब्लॉक रहेगा और एक जगह से एक फैन लगाया जाता है जहाँ जिसको मैंने बोलूँगा ब्लोअर। ये ब्लोअर क्या करता है ना, फोर्सफुल्ली बाहर से एटमोसफेयर एयर को खींचता है और अंदर ढकलता है। ये अंदर जब ढकलेगा तो वो ज़्यादा एयर और वाटर ज़्यादा टाइम कांटेक्ट में रहेगा। इससे क्या होता है ना, टेम्परेचर वाटर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कम होता है इसके वजह से। और यहाँ पर एटमोसफेयर एयर आने के लिए पहली क्या है ना, फोर्सफुल्ली सक्शन किया जाता है और ज़्यादा टाइम वहाँ पर रुकता है और वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के हिसाब से। उसके बाद मैं तीसरा नंबर में आऊँगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, जो मैक्सिमम इंडस्ट्री में और थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल करने का हर एक का एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करके इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पर भी नेचुरल ड्राफ्ट होता है, कहाँ पर भी फोर्स ड्राफ्ट, कहाँ पर भी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, इसका एप्लीकेशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी तक जितना सारा कंपनी देखा है और थर्मल पावर प्लांट देखा है, मैक्सिमम जगह में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम टाइप। तो यहाँ पर क्या होता है ना, नेचुरल ड्राफ्ट कई पूरा के पूरा रहता है, नीचे से एटमॉस्फेयर एयर इन होता है, आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा है। नेचुरल ड्राफ्ट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में एटमॉस्फेयर एयर को नीचे से आ जाता है नॉर्मली नेचुरल सी, और ऊपर से एयर को खींचने के लिए एक फैन लगाया जाता है। जहाँ पर हम लोग देखा था फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में सक्शन किया जाता है एटमॉस्फेयर एयर को और फोर्सफुल्ली अंदर की तरफ सक्शन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर उल्टा होता है। वहाँ पर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है ना, फोर्सफुल्ली हॉट एयर को सक्शन करके बाहर फेंकता है। इससे क्या होता है ना, बाहर से एटमॉस्फेयर एयर ज़्यादा सक्शन होता है नेचुरल थ्रू से, नीचे से ऊपर की तरफ आता है और ज़्यादा टाइम वो कूलिंग हॉट वाटर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। इससे भी हमारा हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में, ठंडा पानी में कन्वर्ट होने के लिए भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कूलिंग टावर के अंदर जो पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लास्टिक का रहता है, ये जिगजैग रहता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल किसी की तरफ से नहीं रहता है, ये रहता है जिगजैग वे में, जिसके वजह से हॉट वाटर थोड़ा सा टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने के लिए। इसके वजह से एयर और हॉट वाटर दोनों ज़्यादा टाइम कांटेक्ट में रहता है। इसके वजह से ही हमारा हॉट वाटर कोल्ड वाटर में ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है ये डीएम पानी रहता है, मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर रहता है। इसके अंदर इस पानी के अंदर जितना सारा नमक रहता है, पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, जो कुछ भी रहता है वो सब के सब डीएम पानी में, डीएम पानी के थ्रू जब आता है, डीएम प्लांट के थ्रू जब आता है, ये पूरा के पूरा के पूरा निकाल दिया जाता है और फ्रेश वाटर को आता है। इससे क्या होता है ना, हमारा पैकिंग मटेरियल का एफिशिएंसी बढ़ता है, हमारा कूलिंग टावर का जो पाइपिंग वगैरह रहता है वो इसका भी एफिशिएंसी बढ़ जाता है। इसके अंदर जो पानी डीएम पानी जो आता है, डीएम पानी का पीएच मेंटेन किया जाता है 7 to 7.6 पीएच। ये क्योंकि हमारा जो पानी अंदर जो कंडेंसर है, किधर भी डाइकास्टिंग मशीन रहेगा, डाइकास्टिंग मशीन में किधर भी अल्टरनेटर रहेगा, उसके अंदर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पाइपिंग रहेगा उसके अंदर पाइपिंग को ख़राब नहीं करना चाहिए और हमारा कूलिंग टावर का भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत टाइम हम लोग देखते हैं जो पीएच विदाउट मेंटेन में हमारा कूलिंग टावर के भी एफिशिएंसी घट जाता है, हमारा जो इक्विपमेंट रहता है उसको भी ख़राब कर डालते हैं। इसीलिए हम लोग 7 to 7.6 पीएच को मेंटेन क्या करते हैं, हम लोग कूलिंग टावर का जो वाटर रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। मैं इसके बाद भी बहुत सारा कूलिंग टावर का टाइप्स मैं यहाँ पर स्लाइड के थ्रू दे रहा हूँ, जहाँ पर रहेगा बहुत सारा अकॉर्डिंग टू
फ्लो हुआ अकॉर्डिंग टू कूलिंग, बहुत सारा टाइप का रहेगा। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ से आप मिल सकते हो, नहीं तो इसका फोटो आपको चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज नहीं तो इंस्टाग्राम पेज में आपको मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये वाला वीडियो आप YouTube छोड़ के दूसरा जगह में देख रहे हो Facebook Instagram में, तो YouTube में जाओ और A2Z Knowledge YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।